नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी लगातार 17-18 दिनों से जो है आंदोलन कर रहे हैं मोरहाबादी के मैदान में। आप साफ तौर पर यहां की तस्वीरें देख सके हैं, तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं जो कि अन्य जिलों से आए हैं, ग्रामीण इलाकों से आए हैं, अपने बच्चों को लेकर के साथ में आए हैं यहाँ पे, और सीएम हेमंत से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि इनका जो दैनिक भत्ता है, जो महीने का जो दैनिक महीने का जो इनका वेतन है 10,000 रुपया, उसकी बढ़ोतरी की जाए। उसके अलावा इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों को नियमित रूप से नौकरी कर दिया जाए और जो सुविधाएं अन्य जो पुलिस हैं, अन्य जो नौकरीधारी हैं उनको मिलती है, वही सुविधाएं हम लोगों को भी मिलनी चाहिए। आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो तमाम सहायक पुलिसकर्मी हैं झारखंड के, यह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अब इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता है तब तक हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे रहेंगे। इससे पहले भी बता दें कि 15 जुलाई के दिन ये तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो राजभवन घेराव के लिए निकले थे, इन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया और यहाँ के यानी कि रांची के जो SSP हैं उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि हम आगे बात करेंगे, अपने वरीय पदाधिकारियों से बात करेंगे, CM तक आपकी आवाज़ को पहचानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से लौट जाए। और उसके बाद ये लोग अपना ज्ञापन सौंप के वहाँ से लौट गए, लेकिन 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक इन लोगों को अब कोई भी आश्वासन है या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी वार्ता के लिए संदेश नहीं आया है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अब इनसे पहले आपको बता दें कि अगली जो इनकी रणनीति है यानी कि 19 जुलाई को ये तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं CM आवास के घेराव के लिए निकलेंगे। अब यहाँ महिला पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब कल जो रणनीति है, कल जो रणनीति बनी है लोगों की, अब उससे ये लोग कैसे पूरा करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? प्रतिमा तिर्की। कल आप लोग CM आवास घेराव करने के लिए निकलेंगे, कैसे क्या करेंगे? हम बोलने नहीं पा रहे ढंग से। कुछ महिला पुलिसकर्मी और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। कल CM आवास घेराव के लिए आप लोग निकलेंगे, कैसी क्या तैयारियां हैं, क्या लगता है कि आप लोग वहाँ पहुँच पाएंगे? हम लोग कोशिश करेंगे पहुंचने के लिए और हम लोग CM आवास घेराव करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी आपको राजभवन जाने के लिए रोक दिया गया था? हाँ, बहुत बार जा चुके हैं लेकिन रास्ता में ही रोक दिया जाता है और हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो सुना आपने कि इनका कहना है कि पहले भी हम लोग जो है घेराव के लिए निकले थे लेकिन रास्ते में हम लोगों को रोक दिया जाता है, लेकिन अब हम लोग मानने वाले नहीं हैं। यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि JBKSS के जो नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो भी इनके समर्थन में यहाँ मोरहाबादी पहुँचे हैं और कल जो CM आवास का घेराव है उसको लेकर के रणनीति तैयार कर रहे हैं। कल आप लोग CM आवास का घेराव करेंगे? बिल्कुल, कल घेराव करेंगे और जितना हद हो सके उतना हद हम लोग पार करेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन में जब हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो अनडिसिप्लिन में हमें आना ही पड़ेगा। सरकार को इतनी बार हम लोग जा कर के बार बार आग्रह किए, निवेदन किए, यहाँ तक कि नाक भी अगर रगड़ना चाहे तो वो भी हम लोग रगड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी सर कुछ बोल ही नहीं रहे CM सर, क्या करेंगे इसके लिए? तब तो अब अनडिसिप्लिन में हमें आना ही पड़ेगा। वर्दी जब डिसिप्लिन को मानती है तो उसको भी मानना चाहिए CM सर को, कि आगे जाकर के ये बच्चा हमें हमारा ही यहाँ के भविष्य है, अगर इस भविष्य को वो ख़त्म करते हैं ये 2500 सहायक के, तो सोचिए कितनी बड़ी अनडिसिप्लिन यहाँ पर विधि व्यवस्था में कितनी प्रॉब्लम आएगी। उनको ये सारी कुछ जानकारी होने के बाद भी वो अनदेखा कर रहे हैं। कल तो राज CM आवास तो घेराव होगा लेकिन वो जोरदार ही होगा। इस बार अब कुछ नहीं, आंसू गिरेंगे, लाठी भी गिरेगी, लेकिन हम अपना हक लेके ही जाएंगे। से पहले भी आप लोग राजभवन घेराव के लिए दो दो बार निकले थे लेकिन रास्ते में ही रोक दिया गया। देखिए, रास्ते में तो रोक दिया जाता है, उनका वो काम है, वो अपना प्रोटोकॉल पूरा करते हैं कि राजभवन घेरने नहीं देंगे, लेकिन जिस दिन हम लोग अगर अपने मन में ठान लेते हैं उस दिन हम लोग राजभवन घेराव करके ही जाएंगे। हम लोग भी ये जानते हैं कि ये डिसिप्लिन का वर्दी है, ये डिसिप्लिन में चलता है, तो आप समझिए डिसिप्लिन में है तो कितना बड़ा मुसीबत है और अनडिसिप्लिन में है तो और कितना बड़ा मुसीबत है। जब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रोक देने वाले भी हमारे अपने हैं, हमें भी उनको भी सोच करके चलना पड़ता है, क्योंकि वो भी अपने पेट के लिए रोजी रोजगार के लिए आते हैं और हम भी अपने रोजगार के लिए हैं, लेकिन अनडिसिप्लिन में जिस दिन जाएंगे हम लोग तो पॉसिबल नहीं है कि वो भी हमें रोक पाएंगे।
उनकी भी नौकरी भी चली जाएगी, ये सोच करके हम लोग रुके रहते हैं कि आश्वासन ही सही, कुछ तो हमारे पदाधिकारी वरीय अधिकारी हमारे हमें आश्वासन दे रहे हैं, उनकी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ जो ड्यूटी करने जाते हैं वहाँ भी हम वरीय पदाधिकारी के बातों को ही मानते हैं। तो आप समझिए कि हम लोग डिसिप्लिन में हैं। बस सरकार से बार बार विनर में विनती है कि हमारे मांग को पूरी करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए जब वो नक्सलवियों को एक पुलिस में संवर्ग में शामिल कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं, हम तो सहायक आरक्षी है, हमें क्यों नहीं। सरकार से बस यही मांग है कि आप एक बार सोचिए बैठ करके शांति से, तब जाकर के किसी चीज़ का हल निकलेगा, अन्यथा ये जो उलगुलान है पता नहीं कहाँ लेकर के जाएगा, या हमें भी कहाँ लेकर के जाएगी या हमें भी नहीं पता। कल आप लोगों का राजभवन घेराव है, कैसे क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए कल हम लोग का राजभवन घेराव है, ये तो हम लोग पूर्ण रूप से आह्वान कर ही दिए हैं कि मीडिया के माध्यम से कि हम लोग कल राजभवन नहीं सीएम आवास घेराव जा रहे हैं। तो सीएम आवास घेराव जा रहे हैं, उस दौरान हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो, झगड़ा हो, चाहे मारपीट हो, आंसू गैस चले, चाहे जो करना करे, अब विभाग तरफ से हम लोग उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका अपना काम है, उसका अपना ड्यूटी है, तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो उतना दिन दो बार हम लोग जब घेराव के लिए जा चुके थे तो उसमें हम लोग को रोका गया, तो हम लोग डिसिप्लिन होकर हम लोग रुक गए और मान भी लिए। लेकिन अभी जब उस दौरान हम लोग को ये भी बोला गया था कि आप लोग का बात रखी जा रही है, आप लोग का वार्ता होगा, आप लोग का काम हो जाएगा, इस तरह का हम लोग को बोला जा रहा था। लेकिन हम लोग सोचे कि ठीक है, जब हम लोग वो लोग बोला जा रहा है तो कुछ टाइम देना चाहिए, इसलिए हम लोग टाइम भी दिए। टाइम देने के बावजूद में भी जब सरकार को हम लोग का बात अभी तक सुनाई नहीं दे रही है तो हम लोग को तो बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग कल सीएम आवास घेराव जाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, किसी का जान भी चला जाए, चाहे हम लोग का जान भी जाए, जब हम लोग तिल तिल कर मर ही रहे हैं यहाँ पर, 7 साल तो ऑलरेडी हम लोग के साथ में अन्याय ही हुआ, कभी न्याय हुआ नहीं, 10,000 में हम लोग को एक बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग को खटवाया गया, जो कि आरक्षी बल जो सरकारी है उनके बराबरी हम ड्यूटी किए, जो कि हम 10,000 में ड्यूटी किए, लेकिन कंधा से कंधा मिलाकर ड्यूटी किए। लेकिन ये कभी नहीं सोचा गया कि सहायक पुलिस किस तरह का ये दुख तकलीफ में झेल रहा है। सरकार जब दो बार आंदोलन कर चुके तो उस समय भी बोला गया था कि आप लोग का काम हो जाएगा और आप लोग को दोबारा आना भी नहीं पड़ेगा, इस तरह का भी हम लोग को आश्वासन मिला था। आश्वासन से ही हम लोग उतना साल चले, लेकिन आश्वासन कोई काम का नहीं रहा। सरकार सिर्फ आश्वासन ही देती है, सिर्फ बोलती है कि संवेदनशील है, संवेदनशील है, किस तरह का संवेदनशील है, जो कि अभी तक हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है। कुछ तो काम होना चाहिए ना, कुछ तो आप काम दिखाते ना, तब ना बोलते कि हम आप हमके बारे हम मेरे बारे में सोचते हैं कि सहायक पुलिस के बारे में सोचते हैं। अब तो 1% नहीं सोचते हैं, अब तो बोलते हैं कि सहायक पुलिस पहले जो सत्ता में बैठे थे रघुवर दास, उस मंत्री का पाप है, भाजपा का पाप है, इस तरह का भी बोला जाता है। देखिए हम लोग किसी का पाप नहीं है, कोई अगर बहाली कोई सरकार करता है तो किसी का पाप नहीं होता है, वो अपना काम करता है, अपना हिसाब से वो सारा जिम्मेवारी लेके काम करता है। तो आप क्या अभी हम सहायक पुलिस को अगर नीति नियमावली अगर गलत है तो उस गलत नियमावली को आप चेंज कर भी सकते हैं, जिसे संविधान में संशोधन हो सकता है, तो क्या सहायक पुलिस का जो नियम है पत्थर का लकीर तो नहीं है जो कि आप उसको बना नहीं सकते हैं? आप सत्ता में बैठे हैं तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, 1 मिनट में कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन आपकी क्या मानसा है वो तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं सहायक पुलिस के बारे में। इतना धूप में बारिश में हम लोग हर एक एक महिलाएं जूझ रहे हैं और पुरुष भी जूझ रहे हैं, जो कि हम लोग को बहुत परेशानियां हो रही है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। आप तो सब जगह घूम रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, लेकिन आप सामने हैं सहायक पुलिसकर्मी जो कि मोरहाबादी मैदान ऐतिहासिक मैदान में जो कि तड़प तड़प के मर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको देखने तक के लिए जब किसी अपना सत्ता के मंत्री को भी आप भेजने तक का काम नहीं किए, तो आप क्या करते हैं सत्ता में बैठ के? आप मतलब कि यही सब देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, ये सबको देखना नहीं है? सब सत्ता आपको चाहिए, काम नहीं करना है। अब गार्जियन है तो काम कीजिए, गार्जियन जैसा अब गार्जियन हम सब कोई बनाया है, तो आप गार्जियन के रूप में अभी सत्ता में बैठे हुए हैं तो आप जितना भी दुख तकलीफ है उनको देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। सहायक पुलिस दुख तकलीफ में है तो आप देखना पड़ेगा ना, जैसे कि पीजीटी भी आंदोलनकारी था, लेकिन उसको आप देखे
और समझे, उसके बाद में उसको आप नियुक्ति पत्र दिए। क्या हम लोग को नहीं देख पा रहे हैं आप? क्या 15 दिन 18 दिन चल रहा है जो कि हम लोग इतना दुख तकलीफ में झेल रहे हैं यहाँ पर, सब महिलाएं बारिश में तबीयत खराब हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसमें आपको समझना चाहिए ना। महिलाओं के प्रति आप हमेशा बोलते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, किस तरह का आरक्षण है, किस तरह का? अभी तक तो महिलाओं को अभी तक 1% आरक्षण नहीं मिला है, जो कि सहायक महिला इतना परेशानी झेल रही है। इसलिए सहायक पुलिस महिलाओं की तरफ से हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि हम लोग आइए और हम लोग का सारा मांग को पूरा कीजिए, नहीं तो पूर्ण रूप से जो आंदोलन होगा ना कि हो सके यहाँ पर ऐतिहासिक मैदान में जिस तरह का आंदोलन कभी हुआ नहीं होगा इस तरह। इसलिए आप हमारी सारी मांगों को पूरा कीजिए और पूरा मनन चिंतन के साथ सोचिए और समझिए। तो तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी है, इनका कहना है कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम बस इतना ही चाह रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम हेमंत सोरेन तक इनकी बात कब तक पहुंचती है और इस पर वो कब एक्शन लेते हैं। फिलहाल मुझे हमारे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।